नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान तेजी से बढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर तीखे तंज कसने में लगे हुए हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सूबे की सड़कों पर एक नया ही राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्य सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर शहर में लोग ढूंढ रहे हैं और उन्हें गजनी मूवी का आमिर खान बताया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि गजनी ये क्या बद्दा मजाक है और ये शुरू किसने किया, तो सुनिए। विरोध करने वालों का मानना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की स्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए अपनी की हुई घोषणाओं को वो खुद ही भूल जाते हैं और इसलिए विरोध का एक अजीबोगरीब तरीका इंदौर में कांग्रेस ने अपनाया है। कांग्रेस का दावा है कि शहर के 40 प्रमुख चौराहों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तलाश में पोस्टर लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन पोस्टर पर गजनी मूवी का जिक्र कांग्रेसियों द्वारा किया गया है। कांग्रेस ने सीएम को घोषणा वीर बताया है और मुख्यमंत्री की तलाश के पोस्टर चस्पा किए हैं, जिसमें कोरोना से मृत लोगों के परिवार वालों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा करने की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने लापता बताया है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव विवेक खंडेलवाल ने बताया कि आज शहर के प्रमुख 40 चौराहों पर लापता हुए घोषणा वीर मुख्यमंत्री की तलाश के पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी कि कोरोना से मृत लोगों को परिजनों को 1,00,000 रुपए दिया जाएगा और इसके साथ सहायता राशि प्रदान करते हुए उनकी मदद की जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह उनकी घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह गई। कांग्रेस का आरोप है कि शहर एवं प्रदेश के हजारों परिजनों ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते ऑक्सीजन बेड और इंजेक्शन के बिना ही अपनों को खोया और अब वो सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। मगर दफ्तर में भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ ना ही सुनने को मिल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 1,00,000 रुपए की सहायता राशि की बात को प्रदेश के सीएम गजनी पिक्चर के आमिर खान की तरह भूल गए। ऐसे में मुख्यमंत्री को याद दिलाने के लिए पूरे शहर के प्रमुख चौराहों पर उनके पोस्टर चिपकाए गए हैं, ताकि उनके द्वारा कोरोना से मृत लोगों के परिवार वालों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा के मुताबिक सहायता मिल सके। वहीं कांग्रेस के दावा किया गया है कि जल्द ही कांग्रेस कोरोना के कारण दिवंगत हुए लोगों के परिवार से मिट्टी लेकर घोषणावीर सीएम के मूर्ति भाजपा कार्यालय पर ले जाएगी। अब ऐसे में कांग्रेस के इस अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लग रहा है कि अब शिवराज को वो वादे भूलने पर गजनी कह सकते हैं, गजनी का आमिर खान कह सकते हैं, तो फिर कांग्रेस के राजकुमार राहुल बाबा को वो क्या कहेंगे? जी हां, वही राहुल गांधी जो आए दिन अपने हास्यास्पद बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जो आलू से सोना निकालने की बात कहते हैं, किसानों को धरती की जगह चांद पर खेती करने का ख्वाब दिखाते हैं कई बार, और वहीं अगर बात करें पंजाब और राजस्थान में चुनाव से जीतने से पहले भी उन्होंने वादा किया था कि वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, पर क्या उन्होंने वो वादे पूरे किए? जी नहीं, वो वादे आज भी वादे हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।